सभा में जितने भी लोग बैठे हो, मैं आपको शाप देती हूँ कि अति शीघ्र भयंकर परिणाम को भोगोगे। और शाप देकर के मैया ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है और दोनों हाथ जोड़ करके योग अग्नि को प्रकट करके दाएं चरण के अंगूठे के नाखून से माँ ने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने संपूर्ण शरीर को माँ ने भस्म कर दिया है। और यहाँ से मैया ने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु मैं पुनः जीवन को धारण करूँ, शरीर धारण करूँ, ताकि मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करूँ। और इधर वीरभद्र जी को पता चलता है, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो जा कर देते हैं और भगवान शिव जी स्वयं राजा दक्ष का जो मस्तक है वो त्रिशूल से काट देते हैं। सारे चरणों में गिर जाते देवता लोग, प्रभु क्षमा करो, यज्ञ अधूरा रहेगा तो संसार का विनाश हो जाएगा। तो शिव जी का क्रोध भी जल्दी आता है शिव जी को और शांत भी जल्दी हो जाता है। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मस्तक अब असली वाला नहीं लगाऊंगा। शिव जी ने बकरे का मस्तक काट करके राजा दक्ष के उस शरीर पे लगा करके ऑपरेशन कर दिया है। श्री प्रभु अंदर के जो बुद्धि है, जिसके द्वारा हम सब काम करते हैं, इस बुद्धि को भगवान मानव की बदल करके बकरे की कर देंगे। तो बकरा क्या करता है, मैं दिन भर बकरा करता रहता है, तो फिर हमारी भी बुद्धि यही रहेगी, दिन भर मैं करते रहेंगे। तो अभिमान जीवन में दंड का पात्र हो जाता है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। शिव जी ने यज्ञ वापस से संपन्न करवाया राजा दक्ष को बकरे का मस्तक प्रदान करके। उसके बाद में माता सती हिमालय राज्य के वहाँ प्रकट होती है और भगवान श्री महादेव जी अपने धाम चले जाते हैं। अब मैया हिमालय राज्य के वहाँ पर्वत के वहाँ पर प्रकट हुई है, स्थिरता में माँ का प्रागट्य हुआ है। तो अब मैया का नाम क्या है, श्रद्धा है। और श्रद्धा का अर्थ रहता है कि धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा भक्ति जो है भगवान के चरणों में धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम से नहीं कि सावन के महीने में लोटे पर लोटा लोटे पे लोटा शिव जी को फुर्सते नहीं लेने देते हैं। और सावन के बाद में कह देते कि शिव जी तुम जानो और तुम्हारा काम जने, सोमवार के दिन टाइम मिलेगा तो आएंगे और नहीं मिलेगा तो राम राम श्याम श्याम, इसे श्रद्धा नहीं कहते हैं। सावन के महीने में बेचारे बाबा जी को परेशान कर देते हैं और सावन के बाद में एक लोटा चढ़ाने की फुर्सत नहीं है। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है। मैया पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी हुई, श्री नारद जी पधारे, हिमालय राज जी ने चरणों में प्रणाम करवाया और कहा कि आप बताओ कि इनको दुल्हा कैसा मिलेगा। तो श्री नारद जी ने सब भविष्यवाणी अच्छी की है कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। और फिर श्री नारद जी ने नीचे की रेखा पढ़ते हुए कहा कि देखो सब कुछ तो इस कन्या के भाग्य में अच्छा है, लेकिन नीचे की एकाध रेखाएं गड़बड़ है। बोले क्या है रेखाएं, बोले इनको जो दूल्हा मिलेगा ना वो थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही गड़बड़ रहेगा। कैसे, बोले उसको ना रहने का ठिकाना रहेगा, ना पीने का ठिकाना रहेगा, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना माँ का ठिकाना, ना पिता का ठिकाना, किसी भी चीज का ठिकाना नहीं रहेगा, ऐसा दूल्हा मिलेगा, अवगढ़दानी ऐसा दूल्हा मिलेगा। तो मैना जी रोने लगी मैया की माँ के, हिमालय ब्रह्मा जी की बुद्धि भी बुढ़ापे में सटिया गई है क्या, सुंदर पुष्प को बगिया में खिलाना था कि कहीं भी घास फूस में खिला दिया है, सुंदर पुत्री को सुंदर वर देना चाहिए था, मैं ऐसे बावरे वर के साथ में अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तो श्री नारद जी ने कहा, नारद जी वास्तविक संत है और जो वास्तविक संत रहते हैं वो हाथ भी देखते हैं पांव भी बताते हैं, परंतु फिर ये कभी नहीं कहते कि हम आपके नाम का वहां जाप करके आ जाएंगे। क्या कहते हैं, उपाय बताते और कहते कि भैया साधना तो तुमको ही करना पड़ेगा, हम तो केवल मार्ग बता सकते हैं, साधना तुम्हें करना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि तुम्हारे नाम का हम इतने दे दूं तो हम इतना जाप कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री को वर के रूप में तो शिव जी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कठोर तपस्या करना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है। मैना शिव नारद जी तो यहाँ से चले जाते हैं और माता पार्वती जी दोनों हाथ जोड़ करके माँ को बहाने से समझाती है कि मुझे सपने में साधु बाबा आए थे ना, उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे तपस्या करना है। तुरंत मैया छोटी सी अवस्था में तपस्या करने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है।
जैसे मैया साधना करने के लिए गई तो मैया ने 25,000 वर्ष की कठोर साधना की है, और 25,000 की साधना करने के बाद में भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको दुल्हा के रूप में शिव जी मिलेंगे, लेकिन मेरे इस वचन का आपको तब तक मानना है जब तक सप्तऋषि जी आएंगे और आपको खुद लेकर के चले ये वृतांत सुनाएंगे, तब मेरे इस वचन को आप सत्य मानना। का ठीक है, और मैया अखंड तपस्या में लीन है। इधर श्री राम जी ने भोले बाबा से आकर के कहा कि आपको शादी करना पड़ेगा, तो शिव जी ने कहा कि इतने दिन में एक तो आए हो तो कुछ अच्छी बात बोलते तो मैं प्रसन्न भी होता, अब वापस मेरे गले में आप जंजीर डालना चाहते हो, मुझे शादी नहीं करना है। तो श्री राम जी ने कहा कि जिससे करना है उसको मैं वचन दे करके आया हूँ, तो मेरा वचन झूठा करोगे? शिव जी ने कहा कि तो आप मुझसे बिना पूछे वचन दे करके आ गए? तो श्री राम जी ने कहा कि उसकी साधना इतनी थी कि मुझे वचन देना पड़ा है। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपकी आज्ञा को मानते हैं। श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए, और उसी समय संतों का आह्वान इन्होंने किया सप्तऋषियों को, और कहा कि जरा जाकर के देखो तो सही, लोग कहते कि मैं हूं भोला, पर मैं कहता हूं कि श्री राम जी मुझसे भी अधिक भोले हैं, तो कहीं वो योग्य पात्र है भी कि चाहे जिसको मेरे गले में टांग रहे हैं, तो जरा उसका परीक्षण करके आओ कि वो मुझे चाहती भी है कि नहीं है, मेरे प्रति श्रद्धा प्रेम है भी कि नहीं है। तो यह सुन करके सप्तऋषि जी माँ के पास में आए हैं। अब मैया यहाँ पर इसी तरह बैठी हुई है जैसे कोई मूर्ति बैठी हुई है, अखंड समाधि में माता लीन है। श्री भगवान सारे संतों ने मन में प्रणाम किया और कहा बेटा तुम यहाँ बैठी बैठी इतनी कठोर साधना किसको पाने के लिए कर रही हो? तो मैया ने कहा कि संतो ऐसा है कि मैं बहते पानी में दीवाल को खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। पानी को रोक करके तो दीवाल कोई भी खड़ा कर सकता है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहते पानी में दीवाल को खड़ा करना चाहती हूँ। तो संतों ने कहा आप कहना क्या चाहती हो? तो श्री माँ ने कहा कि संतों मैं शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए इतना कठोर तप कर रही हूँ। तो संतों ने कहा कि आपको ये उल्टी अकल बुद्धि देने वाला आपका गुरु कौन है, गुरु का नाम बताओ? तो मैया ने कहा कि मेरे जो गुरु है वो श्री नारद जी है। तो सारे संतों ने कहा कि बाप रे बाप, नारद जी को गुरु जी बनाया है? बोले हाँ। तो संतों ने कहा कि मैया देवी, नारद जी का तो काम ही यही है, वो ये चाहते कि मैं अगर कुंवारा हूँ तो संसार में किसी और की शादी होना नहीं चाहिए, मैं कुंवारा हूँ तो सबको कुंवारे रहना चाहिए, ये नारद जी की धारणा है। तो तुम नारद जी का कहना छोड़ो, हम आपके लिए सुंदर वर को ढूंढ करके लेकर के आए हैं। बोले अच्छा, तो कौन सा सुंदर वर है बताओ? तो बोले बैकुंठ धाम में रहने वाले हैं, माल भी बहुत है, बहुत धनपति। हाँ ठीक है, एक शादी उनकी हो चुकी है, पर धन की भी कोई कमी नहीं है और घर की भी कोई कमी नहीं है, तो आपका विवाह भी उनसे करवा देते हैं। तो मैया ने कहा कि भले ही वो खूब धनपति हो, गुणवान हो, और ये भले ही अवगुण के भवन हो शिव जी, लेकिन जिनका मन जिनमें रम जाए उनको तो उसी से काम है, इसीलिए मैं वरण करूंगी तो केवल श्री महादेव जी का करूंगी, उनके अलावा किसी का भी वरण नहीं करूंगी। जन्म जन्म तक अवतार लूंगी, बार बार आऊंगी, बार बार जाऊंगी, बार बार आऊंगी, बार बार जाऊंगी, लेकिन मैं वरण करूंगी तो केवल शिव जी का करूंगी। तो ऐसा दृढ़ विश्वास देख करके संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि हम तो आपका परीक्षण करने के लिए आए थे देवी, और आशीर्वाद दे करके संत महात्मा लोग यहाँ से चले गए। शिव जी से कहा तो भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए, और जब भी ये महाराज प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, अखंड समाधि में लीन हो जाते भगवान शिव जी, अखंड समाधिस्थ हो गए। और उसी दौरान तारकासुर नाम का एक असुर प्रकट हो गया, और उस असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद ही अमर नहीं, हम आपको कहाँ से बना दे? तो इसने कहा कि वरदान तो मुझे यही चाहिए, ब्रह्मा जी का ये तो नहीं दे सकते। तो फिर तारकासुर ने कहा कि ऐसा वरदान दो कि मैं शिव जी के बेटे के हाथ से ही मरूं, किसी के हाथ से मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अब इसने मन में सोचा कि ना तो शिव जी समाधि से जल्दी से उठेंगे, ना विवाह करेंगे, ना उनके लड़का होगा, ना ही मेरा मरण होगा, तो मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा, यही बात सोच करके तारकासुर ने वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये जैसे यहाँ से चला गया
तारकासुर पद को पाकर के अत्याचार करने लगा। इसके अत्याचार से सब परेशान हो गए। शिव जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी इनका देखो जो वरदान जो तपस्या करता है उसको वरदान देना पड़ता है, इसीलिए तुम तो यह प्रयास करो कि इसकी समाधि भगवान शिव जी की समाधि कैसे टूटे। तो शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव का आह्वान किया। कामदेव ने कहा कि मुझे क्यों याद किया है? बोले भोले बाबा की समाधि को तोड़ना है। तो कामदेव ने कहा कि उनकी समाधि टूटे या न टूटे ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम जरूर टूट जाएंगे। शिव जी की समाधि को कौन तोड़ सकता है, तो हम जरूर टूट जाएंगे। लेकिन कामदेव ने फिर भी सोचा कि संसार का कल्याण होगा, इसलिए कामदेव बहुत आनंद से आया है शिव जी के पास में और बहुत सारी लीला कामदेव ने की है। इधर नाच रहा है उधर नाच रहा है, लेकिन फिर भी शिव जी की समाधि हिली नहीं। अंत में आम के पत्ते के आड़ में रह करके कामने फूलों का बाण शिव जी के वक्षस्थल पर जैसी छोड़ा, शिव जी का ध्यान टूटा, समाधि टूटी और भोले बाबा ने चारों तरफ देखा कि कौन है जिसने मेरी समाधि को जबरदस्ती तुड़वाया है। तो चारों तरफ देखा तो उसी समय तब शिव ती सरी नयन उगारा चितवत काम भई उजरी छा। उसी समय आम के पत्ते के आड़ में जैसे ही कामदेव दिखा, भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और खुलते ही तीसरा नेत्र कामदेव संपूर्ण जल करके राख हो गया। सारे संसार में हाहाकार मच गया, सारे लोग घबरा गए। और उसी दौरान श्री कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके आई, शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पति ने जगत के कल्याण के लिए आपकी समाधि तुड़वाई थी, लेकिन आपने तो मेरे पति को वरदान देने की बजाय आपने तो जला करके राखी कर दिया। तो शिव जी ने कहा कि देवी जो होना था सो तो हो गया है, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जब होगा तो उनके बेटे के रूप में तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अभी कैसे रहेंगे? बोले अभी तुम्हारे पति बिना शरीर के अनंग रहेंगे, शरीर विहीन रहेंगे, और अगली बार अवतार जब श्री कृष्ण का होगा तो श्री कृष्ण के बेटे के रूप में आपकी मुलाकात आपके पति से हो जाएगी। जब क्रोध आया तो सारे लोग घबरा गए, लेकिन जैसे ही वरदान मिला तो सारे लोग प्रसन्न हो गए। अब रति यहाँ से चली गई और सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में शिव जी को मनाने के लिए आ रहे हैं, शिव जी की स्तुति अलग अलग कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने एक स्तुति सुनी, दो सुनी, तीन सुनी, चौथी में कहा सुनो ये अलग 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 स्तुति करने की जरूरत नहीं है, बताओ कि कैसे आना हुआ है। अब भोले बाबा जानते कि बिना कारण से आते नहीं है, तो सीधे बता दो कि किस कारण से आए हो। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी इसको आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है महाराज कि हमारा बहुत दिन से मन हो गया है। क्या? बोले हमारा मन हो रहा है कि हम किसी की बारात में जाएं। फिर बोले बारात में जाने का मन तो हो ही रहा है, हमारा मन बारात में जाने का भी हो रहा है, नाचने का भी हो रहा है, लड्डू खाने का भी हो रहा है, मिठाइयां भी खाने का हो रहा है। तो भोले बाबा का वो तो सब हो रहा है, पर तुम बताओ कि यहाँ क्यों आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी, अब बोलने में डर लगता है इनसे, ब्रह्मा जी का वो ऐसा है कि बारात में भी जाने का मन हो रहा है, नाचने का भी मन हो रहा है, लड्डू भी खाने का मन हो रहा है, लेकिन समस्या यही है कि कोई कुंवारा हो तब तो उसकी शादी करें और ये हमारे सब जो है मन का जो मनोकामना पूरी करे, कोई कुंवारा ही नहीं है। तो भोले बाबा का मैं क्या करूं?
बोले प्रभु ऐसा है कि हाल फिलहाल में आप कुंवारे हो और आप चाहो तो हमें ये खुशी दे सकते हो। तो भोले भगवान का ऐसा है कि मैं तो बहुत दिन से कुंवारा हूँ, आज तक तो मेरी चिंता नहीं हुई तुम लोगों को। तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने तुरंत बात संभाली, बोले नहीं 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 चिंता तो बहुत दिन पहले से ही थी, लेकिन वो आप समाधि में ध्यान में थे इसलिए कोई डिस्टर्ब करने आपको नहीं आए हैं, अब आए हैं आपके पास में। भोले बाबा ने मन ही मन में मुस्कुराते कहा कि आज भी बेटा लोगों, तुम लोगों को मेरी शादी की चिंता नहीं है, ये जो आप लोगों की रोटी पानी घर बार जो सब तारकासुर ने छीन लिया है ये उसकी चिंता हो रही है, मेरी शादी की नहीं है, पर ठीक है श्री राम ने आज्ञा दी है इसलिए मुझे विवाह करना है, वो ठीक है मैं तैयार हूँ। देवता लोग प्रसन्न हो गए, जल्दी जल्दी करो, भोले बाबा तैयार हो गए तैयारी करने के लिए। तो देवताओं की पत्नी उनका कि सुनिए जी ऐसा है कि वो ऐसे हैं कि उन्हें ऐसे ही सजना नहीं आता है, तो दूल्हे के रूप में कब सजेंगे वो, तो ऐसा करें कि कहीं ऐसे उठ के ना चल दे, तो तनिक हम उन्हें दूल्हा के रूप में सजा आते हैं। तो भगवान श्री नारायण ने कहा सुनो ज्यादा होशियारी उनके सामने नहीं चलेगी, क्योंकि वो है अलबेली सरकार, उनका मन हुआ तो सजेंगे नहीं हुआ तो नहीं सजेंगे, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ नहीं, पहले अनुमति लेना चाहिए। तो भगवान श्री नारायण तुरंत नीचे आए, गणों के सामने शिव जी से पूछा कि वो देवताओं की पत्नी आपको थोड़ा तैयार करना चाहती है आ जाए, तो शिव जी तो बोल ही नहीं पाए उनसे, पहले गणों का अच्छा इतने दिन सेवा हमने की है, कई बार रात रात में भी उठ के आरती हमने उतारी है, भभूत हमने लगाई है, और विवाह के समय में वो वीआईपी कोटल के उतर के तैयार करेंगे, क्या हमको नहीं आता हमारे दूल्हा को सजाना, इसलिए रहने दीजिए पधारिए हम खुद सजा देंगे। शिव जी का हाँ हाँ बेशक हमारे ये सारे लोग ही हमें तैयार करेंगे। गणों का ऐसा एक लिस्ट भिजवा देना कि दूल्हा को लगता क्या क्या है। भगवान नारायण पहुंचे और वहां से एक लिस्ट भिजवाई, देवताओं की पत्नियों ने सारा श्रृंगार उसमें लिख दिया था कि ऐसे ऐसे करना आप सजा देना, वो ठीक है। तो देवताओं की पत्नियां जैसे ही वहां पर लिस्ट लेकर के श्री भगवान नारायण के पास में आई, भगवान श्री नारायण ने वो लिस्ट गणों को प्रदान की और सारे गण बैठे थे और एक गण पढ़ रहा है, उसमें लिखा है कि दूल्हा सरकार जब तैयार होता है तो सोने का मुकुट पहन करके वो बारात में जाता है। तो अब ये सोना कहाँ से लाए, अब इनके मालिक ने सोना नहीं पहना तो इनको क्या पता बेचारों को भी सोना क्या होता है। बोले सोना मने क्या होता है, सोना मने क्या होता है, एक ने कहा तू नहीं जानते सोना मने बहुत चमकने वाली वस्तु होती है, तो तुम नहीं समझोगे इस बात को, लाओ मैं समझता। तो सोना मन चमकने वाली धातु क्या, एक ही नजर शिव जी की जटा पर पड़ गई जो भी बिखरी हुई थी, तो उसने कहा रुको रुको मैं बनाता हूँ, दौड़ करके आया, शिव जी के सारे बाल को समेट करके सुंदर जटा का मुकुट बना दिया, मणिधारी सर्प लगा दिया, चंदा लगा दिया, बोले दूल्हा का सोने का मुकुट हो गया है। अब आगे लिखा है कि दूल्हा सरकार जो है वो उबटन लगा करके बारात में जाते हैं। तब यस बोले उबटन मनी क्या होता है, तो बोले बाबन कह रहे जो तुम लोग रोज लगाते हो ना भभूत, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है, केवल शब्द बदल दिए उन लोगों ने। बोला अच्छा अच्छा ये तो हम रोज ही लगाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आकर के भभूत लगा दिया। अब आगे लिखा कि दूल्हा सरकार जो है वो गले में चेन पहन करके जाते हैं, तो अब चेन कहाँ से लाए, अब इनका दूल्हा कैसी चेन पहनता है, और भगवान की चेन तो समझ में आ जाती है, डिजाइन विजाइन भी बढ़िया लगती है, पर भोले बाबा की चेन आज तक किसी को समझ में आई, ये चेन तो घर में भी अगर निकल जाए छोटी वाली, लंबी वाली तो छोड़ो, तो मन का भी चेन गायब हो जाता है। तो भोले बाबा की गले में चेन है, भोले बाबा ने कह रहे जो हम रोज पहनते हैं वही पहना दो, वही वाली चेन के बारे में बात है। बोले अच्छा। आगे लिखा कि दूल्हा सरकार बैंड बाजे के साथ में बारात में जाते, तो भोले बाबा ने कहा रे पागलो जो हमारा डमरुआ है ना वही की बात हो रही है, वो उसी को लेकर के आओ, तो डमरू लेकर के आ गए। आगे लिखा कि दूल्हा सरकार को नजर न लगे इसलिए कटार आदि लेकर के जाता है दूल्हा, छोटा हथियार। तो शिव जी कह रहे जो हमारा जो त्रिशूल है ना ये उसी के बारे में बात है, त्रिशूल लेकर के आ जाओ। अब पूरा दूल्हा सज गया है पीताम्बर का, कहा था भोले बाबा का ना ये भाषा बदल दी है, मृगशाला के बारे में बात है, वो पहन लिया मृगशाला। अब आगे लिखा है कि दूल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके बारात में जाता है, तो घोड़ा कहाँ से लाए, भोले बाबा का तुम लोग पागल हो जो हमारे नंदी जी है ना ये उन्हीं के बारे में बात है, उन्हें लेकर के आओ, तो नंदी जी को लेकर के आ गए। अब आगे लिखा है
कि दूल्हा सरकार इसमें बैठता तो है लेकिन घोड़े की लगाम को पकड़ करके दूल्हा बैठता है। तो अब इस घोड़े की लगाम तो है नहीं, लगाम कहाँ से लाए। तो भोले बाबा का तुम लोगों को पता नहीं, अभी हम बताते। नीचे उतरे और नंदी जी के पीछे की ओर मुख कर लिया और नंदी बैल की जो पूंछ है उसको हाथ में पकड़ लिया, बोले यही हमारी लगाम हो गई है। नंदी जी जो है वो धर्म का प्रतीक है और शिव जी धर्म की लगाम को पकड़ करके विवाह करने के लिए जाते हैं। अब दूल्हा आराम से बेड सज गए हैं, आकाश में देखा देवताओं और देवताओं की पत्नियों ने कि अरे बाप रे बाप, इस दूल्हा के साथ में अगर जाएंगे ना तो लड्डू तो ठीक है, सीधे महाराज डंडे ही मार करके भगा देंगे हिमालय राज्य। तो क्या करें, ब्रह्मा जी का भगवान श्री नारायण ने कहा देखो वो है अलबेली सरकार, छेड़छाड़ है, चुपचाप पतली गली से निकालो और उनसे ज्यादा कुछ कहो मत। तो बोले अच्छा ठीक है। अब सारे लोग अपने अपने भी कहा नंदी जी से कि आह्वान करो हमारे बाराती को बुलाओ, क्योंकि अब हमारे ही जैसे हमारे बाराती भी चाहिए। तो भगवान शिव जी के संपूर्ण बारातियों का आह्वान किया मंत्रों के द्वारा। अब इनके बाराती कहाँ नहीं है ये बता दो, हर जगह है। वो कैसे बाराती है, किसी की एक आंख है, किसी की दोनों ही आंख नहीं, किसी का एक पैर है, किसी का दोनों ही पैर नहीं, कोई लुढ़कते हुए जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ऐसे इनकी बारात चल रही है। आई शंकर की बरती आई माले नगरी, आई शंकर की बरती आई माले नगरी, माए बाबा सागंबर से अंग बबूती रमाए बाबा बाघंबरी सोहे, अंग बबूती रमाए बाबा सागंबर सोहे, बाल तिलक सिर चंदा सोहे हाथ में त्रिशूल विराजे, बाल तिलक सिर चंदा सोहे हाथ में त्रिशूल विराजे, शंगी भृंगी नृत्य करते हैं, शंगी भृंगी नृत्य करते हैं, देव सुमन बरसावे, आई शंकर की बरती आई माले नगरी, आई शंकर की बरती आई माले नगरी, आई भोले की बरती आई माले नगरी, आई भोले की बरती आई माले नगरी। नाचत गावत खुद कतियावत कर कर ताता थैया, भूत ही गावत भूत ही नाचत भूत ही चमरी धुलैया, आई शंकर की बरती आई माले नगरी, आई शंकर की बरती आई माले नगरी, माले नगरी।
मुंड मुंड की माला पहने हाथ में लड़ू बजैया, मुंड मुंड की माला पहने हाथ में डमरू बजैया, मुंड मुंड की माला पहने हाथ में डमरू बजैया। अंग में भोले भभुक रमावे गल सरपन की माला, आई शंकर की बरती आई माने नगरी, आई शंकर की बरती आई माने नगरी। Yeah.